भाइयों राम राम। देसी व्लॉग में आपका स्वागत है भाइयों। देख लो, घर पे था अभी, काम कर रहा था, बारिश आ गई बहुत बढ़िया। ये देख लो जी, ठीक है, पूरी मोटी मोटी बूंद पड़ रही, आप देख लो, ठीक है जी। यहाँ काम कर रहा था, थोड़ी सी फिनिशिंग करवाई थी यहाँ जी, ठीक है। ये देख लो, ये बनवा दिया यहाँ चौंतरा, ठीक है। और यहाँ साइड में जो तुम देख रहे हो, इसमें वो लगाऊंगा, सब्जी लगाऊंगा यार, सब्जी बहुत महंगी हो रही है। बहुत दिनों से इंतज़ार था बारिश का, किसान भाइयों को देखो पड़गी। और देखो यो शाम तक तो पड़ेगी, कम से कम बढ़िया बारिश होगी, बढ़िया दोंगड़ा होना चाहिए। आपके क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इस चैनल पर भाई अब इसी तरह के देसी व्लॉग आया करेंगे, ठीक है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आवे थे, भाई अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करो, ठीक है भाई, अपनी लैंग्वेज में बनाया करेंगे। विकास चौधरी चैनल पर आपका साथ चाहिए, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखते ही देखो यहाँ थोड़ा सा मिट्टी का काम चल रहा था, मिट्टी भर रहा था इसमें, एकदम बारिश आ गई, पसीने का घात हो रहा अभी। अब तुम्हें क्या दिखाऊँ, इधर से दिखाऊँ मैं तो अभी हालत बुरे हैं मेरे तो। देखो यहाँ मिट्टी भर रहा था, ठीक है। ये यहाँ देखो मैंने लगा रखा जी, ये देखो इस पर नींबू का पेड़ है, छोटा सा ही लगा रखा, और इस पर नींबू आने चालू हो गए, मुझे शौक है इस चीज़ों का भाई। और यहीं सारी सब्जी के पेड़, सब्जी लगाऊंगा यहीं, और बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाऊंगा। देखो बाउंड्री करवा दी मैंने बढ़िया, ठीक है। अपने घर में खुद ही मजदूरी कर रहे थे भाई, मिस्त्री तो आज आया नहीं बारिश की वजह से। और देखो कोठे से ऊपर से आने का पानी का जुगाड़ बनवाया यहाँ जी, ठीक। और देखो नाली, बारिश आ गई, देख लो जी बारिश चल रही बढ़िया वाली। अरे अमरूद का पेड़ है, इसकी कल कटिंग करी थी, ये देख लो कटिंग कर दी, आम अमरूद आ रहे इस पर बढ़िया वाले, ठीक है भाई। यार बारिश पड़ गई बढ़िया वाली, ठीक है। मेरी हालत तो देखोगे तुम, पिछाड़ने के भी नहीं है जी, और बिल्कुल अभी मट्टी डोरा था यहाँ पर, देख लो भाई, ठीक है। बारिश पड़ रही बढ़िया वाली भाई। जब सावन का महीना आवे, बारिश का इतना फ़ायदा, चलो बात कर लेते थोड़े से बारिश के फायदे की। तो बारिश का फ़ायदा सबसे ज़्यादा फसलों को, पौधों को मिलता है। कारण ये है, देखिए ये जो मेरे पेड़ देख रहे ना अशोक के, ये एक साल से लग रहे, अभी पाँच छः दिन से जब से बारिश चालू हुई, ये एकदम बड़े हो गए। कारण ये है, जब सावन की बूंद पड़ती है ना, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जी, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं, आप कितना ही अपने खेतों में या पेड़ों में खाद घेर लो, पानी घेर लो, जब लो बारिश नहीं पड़ती, जब लो काम होता नहीं, बत्ती बटी रहेगी आपकी ईंट की भी, ठीक है। चाहे कितना ही नीचे से पानी दे लो, फुहारा मशीन चला लो, सावन की बारिश अपने आप में एक संपूर्ण आहार है पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, फसलों के लिए, ठीक है। अब देख लो हरा भरा हो जाएगा, सामने की जो पेड़ी देख रहे हो तुम, खड़ी अब एकदम दुगनी होकर होगी, नहीं तो इन्होंने इसमें इतने जतन कर मारे, बढ़ी नहीं रही, जब बारिश नहीं हो रही कहाँ से बढ़ेगी। अब बारिश पड़ गई, दोंगड़ा पड़ गया बढ़िया वाला, और मुझे तो ये लग रहा है दो तीन दिन की बढ़िया वाली बारिश होगी, ठीक है। तो ये वो लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए भाई। बहुत जल्द मिलूंगा अगले वो लोग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ट्रैक्टर की वीडियो देखनी तो दूसरे चैनल पर जाकर देख लियो, ठीक है। इस चैनल पर तो भाई अब ऐसी भाषा में वीडियो होगी, अपनी देसी भाषा को प्रमोट करेंगे भाई, बहुत हो लिया, धन्यवाद।